नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। ईरान में महिलाओं ने हिजाब को लेकर पाबंदियों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और सड़कों पर उतर आई हैं। हिजाब न पहनने को लेकर गिरफ्तार एक महिला की मौत होने के बाद से ईरान में गुस्से और तनाव का माहौल है। ईरान में हिजाब न पहनने पर पुलिस हिरासत में 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद हंगामा पसरा हुआ है। देश के कई हिस्सों में महिलाएं प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। मॉरल पुलिसिंग का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है और 80 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं और अपने हिजाब उतार डाले हैं। प्रदर्शन तेज होने के बाद पुलिस ने कई जगहों पर लाठीचार्ज किया है और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। अब आपको बता देती हूँ कि बाल कटवा रही हैं महिलाएं आखिर क्यों। ईरान के वरिष्ठ पत्रकार मसीही अली नेजाद ने ट्विटर पर महिलाओं के बाल काटते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा है, हिजाब पुलिस द्वारा महसा अमीनी की हत्या के विरोध में ईरानी महिलाएं अपने बाल काटकर और हिजाब जलाकर गुस्सा दिखा रही हैं। अब आपको ये भी बता देती हूँ कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब न पहनने की वजह से 13 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन 16 सितंबर को महसा अमीनी की मौत हो गई थी। कहा जा रहा है कि पुलिस हिरासत के दौरान महिला की पिटाई की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस की दलील है कि महिला की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इसके साथ ही ये भी बता देती हूँ कि ईरान की महिलाओं पर क्या कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं। नंबर एक, घर से बाहर निकलने पर हिजाब पहनना जरूरी है। नंबर दो, 7 साल से बड़ी लड़की को ढीला कपड़ा पहनना पड़ेगा। नंबर तीन, चुस्त कपड़ों और जीन्स पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई है। नंबर चार, ज्यादा चमक धमक वाले कपड़ों पर ईरान में ऐतराज है। नंबर पाँच, सोशल मीडिया पर बिना हिजाब वाली तस्वीर की मनाही ही है। नंबर छः, 10 दिन से लेकर 2 महीने तक की कैद भी हो सकती है। 50,000 से 5,00,000 ईरानी रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। 74 कौड़े मारने तक की सजा मिल सकती है। अब आपको ये बता देती हूँ कि अब सवाल ये है कि हिजाब पहनना महिलाओं की पसंद है या इसे पहनना उनकी मजबूरी। शिया बहुत ईरान इस्लामिक राष्ट्र है। हिजाब अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ रुकावट और दीवार बताया गया है। मुस्लिम महिलाओं की ओर से सार्वजनिक जगहों पर अपना सिर ढकने के लिए जो परिधान पहना जाता है, उस परिधान को हिजाब कहते हैं। इसमें परिवार के कुछ सदस्यों के सामने इसकी जरूरत नहीं मानी गई है। माना जाता है कि 7वीं सदी में इस्लाम धर्म ने हर मुस्लिम महिला के लिए हिजाब करने को अनिवार्य बना दिया था। अब आपको ये भी बताऊंगी कि कब आजाद थी ईरान की महिलाएं। अगर आप इंटरनेट पर 1979 से पहले के ईरान की तस्वीरें सर्च करेंगे तो आपको बिना हिजाब पहने महिलाएं दिख जाएंगी। कुछ लोग उसे मॉडर्न ईरान भी कहते हैं। साल 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान की कुछ महिलाएं उस समय के किंग का विरोध करने के लिए हिजाब पहनती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बाद में इन्हीं महिलाओं पर ही इसे थोप दिया जाएगा। ईरान में सत्ता की शक्ल बदलते ही महिलाओं के मूल अधिकार को भी खत्म कर दिया जाएगा। यहां इस्लामी पोशाक को लागू कर दिया गया है। महिलाओं का कहना है कि अमन की मौत के लिए जिम्मेदार सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। ईरान के इस भेदभावपूर्ण ड्रेस कोड के खिलाफ महिलाएं लामबद हुई हैं। आज हम दुनिया को यह बताने के लिए एकजुट हुए हैं कि अब बहुत हो गया, अब और महिलाओं की मौत नहीं होगी, महिलाओं पर और जुल्म नहीं होंगे। हम ईरान की सरकार और हिजाब के विरोध में एकजुट खड़े हैं। हिजाब पर भारत और ईरान में शक्ति परीक्षण चल रहा है। जो ईरान एक इस्लामिक देश है, वहां पर महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़कों पर हैं, वो हिजाब नहीं पहनना चाहती। दूसरा देश भारत है, जिसके सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के समर्थन में दलीलें दी जा रही हैं। इस धर्म का अभिन्न अंग बताया जा रहा है। इस तरह भारत में अब भी हिजाब के खिलाफ आवाज का इंतजार है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान में हिजाब के खिलाफ हो रही क्रांति से भारत कोई सबक सीख सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।